कंप्यूटर विद तेजस ठक्कर में आपका स्वागत है। इस वीडियो सेशन में मैं जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू लीप ईयर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। लीप ईयर जनरली आपको पता है, एवरी 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर डिफाइन होता है। इस प्रोग्राम को मैं 2 मेथड्स के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड जो है वो इफ मेथड से थ्रू है, और सेकंड जो मेथड है वो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, मींस कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू है। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरह से लीप ईयर डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में यहाँ पर मैं कमेंट डिफाइन कर रहा हूँ। देन पब्लिक क्लास, देन क्लास नेम, यहाँ पर मैं लीप ईयर जो है इस नाम से ये प्रोग्राम जो है उसको डिफाइन कर रहा हूँ, क्लास को। देन कर्ली ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन स्ट्रिंग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आर्क्स कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पर मैं इंटीजर डेटा टाइप के साथ में ईयर नाम का वेरिएबल है वो डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ईयर जो है वो 2017 अभी यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इफ कंडीशन के थ्रू सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ईयर मॉड्यूलस बाय 4, अगर इसकी वैल्यू 0 डिफाइन होती है तो ट्रू पार्ट जो है उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू डिफाइन करना, यस इट्स लीप ईयर। एल्स पार्ट में जो फॉल्स पार्ट है वो डिफाइन करना यहां पर सेकंड पार्ट में, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नो इट्स नॉट लीप ईयर। देन कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, देन कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। सो इस तरह से आपको जो लीप ईयर रिलेटेड प्रोग्राम है वो डिफाइन करना है विद द यूज ऑफ इफ एल्स कंडीशन। ओके, सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर हमने जो बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ पर जो है कमेंट लाइन है, पब्लिक क्लास के साथ हमने क्लास नेम डिफाइन किया है, देन कर्ली ब्रैकेट जो हमने स्टार्ट किया है उसको भी कंप्लीट करना है इस तरह से। बेसिक कंसेप्ट है ये जो स्ट्रक्चर जावा प्रोग्रामिंग का है उसकी, उसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। डेटा टाइप हमने इंटीजर डिफाइन की है, ईयर वेरिएबल का नाम है, यहाँ पर हमने अभी 2017 जो ईयर है वो डिफाइन किया है। स्टेटमेंट के एंड में आपको ध्यान में रखना है, सेमीकोलन करना है सभी स्टेटमेंट जो है उसको कंप्लीट होने के बाद। ओके, अब यहाँ पर इफ कंडीशन है तो स्टार्ट है, यहाँ पर एंड नहीं है अभी, तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन नहीं करना है। ओके, इफ कंडीशन के साथ हमें एल्स का यूज करना है, जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया उसको अगर 4 से रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है वो 0 यहाँ पर डिफाइंड होता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो सेशन में आपको एक्सप्लेन किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो। ओके, सो इसको आपको अगर रिव्यू करना है तो लास्ट जो वीडियो हमारा जो है वो आप रिफर कर सकते हैं, पास फेल वाला। ओके, देन ट्रू पार्ट यहाँ पर डिफाइन करना है और एल्स में हमें फॉल्स पार्ट डिफाइन करना है। प्रोग्राम टाइप करने के बाद इस तरह से हमें फाइल में जाकर सेव करना है, कंट्रोल एस फॉर शॉर्टकट की। यहाँ पर मैं लीप ईयर नाम से यहाँ पर डिफाइन करना है हमें, जो हमने यहाँ पर पब्लिक क्लास और क्लास नेम जो डिफाइन किया है उसी नाम से यहाँ पर हमें फाइल नेम लेना होगा, और एक्सटेंशन जो है वो हमें डॉट जावा डिफाइन करना है। देन सेव, ओके, देन टूल्स, देन कंपाइल, शॉर्टकट की इस कंट्रोल F7। आप देख सकते हैं एग्जिट कोड 0 डिस्प्ले हो रहा है, इसका मीनिंग ये होगा इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। देन टूल्स, देन डायरेक्टली हम गो कर रहे हैं, शॉर्टकट की इज F5। आप देख सकते हैं नो इट्स नॉट लीप ईयर। ओके, तो यहां पर मैंने 2017 लिया है, अभी हम क्या करते हैं 2018 यहां पर डिफाइन करते हैं। ओके, देन कंट्रोल एस फॉर सेव, देन टूल्स, देन कंपाइल, ओके, देन टूल्स, देन गो। आप देख सकते हैं 2018 इज ऑल्सो नॉट अ लीप ईयर। देन यहां पर हम डिफाइन करते हैं 2019, कंट्रोल एस फॉर सेव, देन टूल्स, देन कंपाइल, देन टूल्स, देन गो। आप देख सकते हैं ये जो 2019 जो है, ओके, वो भी लीप ईयर नहीं है। अब क्या करते हैं हम 2020 यहां पर डिफाइन करते हैं, देन कंट्रोल एस फॉर सेव, देन टूल्स, देन कंपाइल, देन टूल्स, देन गो। आप देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर जो है 2020 वो लीप ईयर है यहाँ पर।
तो आपको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एवरी फोर ईयर के बाद जो लीप ईयर डिफाइन होता है वो इस तरह से आप कोई भी साल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं ये लीप ईयर है या नहीं। अब इसी प्रोग्राम को मैं आपको कंडीशनल और इट्स कॉल्ड अ टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू किस तरह से आप कर सकते हैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके लिए मैं जो यहाँ पर स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में इस तरह से मैं इसको कमेंट लाइन डिफाइन कर देता हूँ, ओके तो ये प्रोग्राम में कुछ भी असर इसका नहीं होगा। अब हमें क्या डिफाइन करना है टर्नरी ऑपरेटर के लिए, यहाँ पर डायरेक्टली हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन डायरेक्टली हमें यहाँ पर ईयर रिमाइंडर मीन्स मॉड्यूलस 4 इज इक्वल टू 0 देन क्वेश्चन मार्क। टर्नरी ऑपरेटर जो है वो क्वेश्चन मार्क और कॉलन से डिफाइन होता है, सो क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर हमें डिफाइन करना है ट्रू पार्ट्स यस इट्स लीप ईयर, देन कॉलन के साथ में हमें फॉल्स पार्ट डिफाइन करना है नो इट्स नॉट लीप ईयर, देन राउंड ब्रैकेट कंप्लीट देन सेमी कॉलन। सो इस तरह से हमें डिफाइन करना होगा। अगर आप चाहो तो ये जो पार्ट जो है इसको आप क्लियर कर सकते हो विद द यूज ऑफ टूल्स देन क्लियर आउटपुट, ओके देन फाइल देन सेव देन टूल्स देन कंपाइल। आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम में यहाँ पर जो हमने सेकंड मेथड का यूज किया है उसमें भी कोई एरर नहीं है, एग्जिट कोड 0 डिस्प्ले हो रहा है, देन टूल्स देन गो। आप देख सकते हैं 2020 इज अ लीप ईयर, सो यस इट्स लीप ईयर, इस तरह से आपको आंसर डिफाइन हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 2021 इस तरह से डिफाइन करते हैं तो देन फाइल देन सेव देन टूल्स देन कंपाइल टूल्स देन गो, यहाँ पर नो इट्स नॉट लीप ईयर। सो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं 2020 में है, तो अगर आप 2014 जो है वो डिफाइन करेंगे तो उसमें आपको लीप ईयर डिस्प्ले होगा, फाइल देन सेव देन टूल्स देन कंपाइल टूल्स एंड गो। तो देख सकते हैं यहाँ 2024 उसमें आपको यहाँ पर डिफाइन हो रहा है कि यस इट्स लीप ईयर। तो आप इस तरह से प्रोग्राम जो है लीप ईयर रिलेटेड कर सकते हैं। इस प्रोग्राम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको डिफाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।